राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर, जहां फडणवीस सीएम बने तो वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार। लेकिन अब तमाम दावे इस घटनाक्रम के बाद ठोके जा रहे हैं, जहां शिवसेना कह रही है कि हमारा ही मुख्यमंत्री होगा, सरकार हम ही बनाएंगे, तो वहीं अहमद पटेल ने भी साफ कर दिया कि हमारे सारे विधायक मजबूत हैं और फ्लोर टेस्ट पर बीजेपी को हराने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन उन्होंने खुद ये भी माना कि कहीं ना कहीं सहमति बनाने में वक्त लगा है और शायद यही खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इन तीनों दलों को कि आज कल तक जो तस्वीर अलग थी वो सुबह तक कुछ और हो गई। और इसी पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ गए हैं, उनका मैं आपका तारुफ करा देती हूं। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी, रेहान राजपूत जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है उस स्थिति को देखते हुए संदीप जी, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सत्ता के खेल में शिवसेना फेल और बीजेपी पास, आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल मैडम, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सत्ता के इस खेल में शिवसेना पूरी तरीके से फेल हो गई है और इसके पीछे कहीं ना कहीं उनका एक घमंड है, एक गुमान है। इसके लिए दो लाइनें हैं कि कुछ बुलंदी क्या मिली बादलों को, खुद को आसमान समझ बैठे। तो शिवसेना कहीं ना कहीं अपने आप को एक आसमान समझ के चल रही थी और कभी कांग्रेस के चक्कर में, कभी एनसीपी के चक्कर में, और जिस तरीके से इतना 30-35 साल पुराना जो एक गठबंधन था, जो एक भाईचारा था उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ में, जो कभी बाला साहब ठाकरे ने स्टार्ट किया था, आज सत्ता के लालच में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने डिसीजन लिए, वो कहीं भी एक मैच्योर पॉलिटिशियन को शो नहीं करते। और आखिरकार आज एक गांव में कहावत बोलते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं आज शिवसेना की हमें और आपको सबको देखने को मिल रही है। और बिल्कुल कहीं ना कहीं इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रेहान जी आप क्या कहेंगे, महाराष्ट्र ने चौंकाया, फडणवीस राज आया? जी देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आज जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, सुबह 5:47 पर राष्ट्रपति शासन को हटाया गया, सुबह ठीक 8 बजे राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रपति शासन को हटाने के बाद जिस तरीके से फडणवीस जी ने और अजीत पवार जी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और शपथ ली, तो ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है आज भारत की राजनीति के अंदर। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे और इसके अंदर इसका मेरा ये एनालिसिस है कि तीन जो बड़े राजनीतिक दल हैं वो एक्सपोज हुए हैं आज भारत की राजनीति के अंदर। पहला बीजेपी, जो बीजेपी कल तक एनसीपी और कांग्रेस का ढिंढोरा पीट रही थी पूरे महाराष्ट्र की जनता के सामने कि ये भ्रष्टाचारी हैं, ये देश को बर्बाद इन्होंने कर दिया, इन्होंने इस लेवल तक का करप्शन किया है राज्य के अंदर और पूरे देश के अंदर, आज वही बीजेपी एनसीपी के साथ सरकार बना रही है। अब बीजेपी का जो ये टैगलाइन थी भ्रष्टाचारी एनसीपी और भ्रष्टाचारी कांग्रेस, अब वो ये कहने का अधिकार खो चुकी है। दूसरी तरफ एनसीपी, जो एनसीपी कल तक जनता के सामने ये कह रही थी कि हाँ ये कम्युनल हैं और हम सेकुलर हैं, भाईचारे की बातें कर रही थी, बड़ी सेकुलरिज्म की बातें कर रही थी जनता को, सीधे तौर पर उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया है और अब इन्होंने भी अधिकार खो दिया है कि ये सेकुलरिज्म और भाईचारे पर बात करें। और उधर तीसरी तरफ शिवसेना, जिसका भविष्य अब एक तरीके से अंधकार में चला गया है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, वो शिवसेना जो हिंदुत्व का ढिंढोरा, हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे बढ़ रही थी, उसने अपने 30 साल पुराने अलाई को सत्ता के मोह भंग के लिए छोड़ दिया। तो इसी के साथ शिवसेना की अपनी महाराष्ट्र की जो उनकी पॉलिटिक्स है उन्होंने उसको भी एक तरीके से खत्म कर दिया है। आज ये तीनों पार्टी एक्सपोज हुई हैं आज भारतीय जनता के सामने। इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि वही विचारधारा कुछ नहीं होती है, कोई गठबंधन वठबंधन कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है सिर्फ और सिर्फ सत्ता होती है, बस सत्ता का मोह। क्या कहेंगे आप, क्योंकि जिस तरह से रेहान जी कह रहे हैं कि अब आपकी पार्टी ने, आप लोगों ने भी अधिकार खो दिया है, कि जहां पर एनसीपी पर पहले सवाल खड़े कर रहे थे, आज उन्हीं एनसीपी विधायकों के साथ सरकार बना रहे हैं। नहीं नहीं, अब एनसीपी के साथ कहां सरकार बना रहे हैं? आपने भी आप एनसीपी के विधायक तो आप देख रहे हैं, विधायक किसी का नहीं होता, विधायक जनप्रतिनिधि होता है। भतीजे हैं शरद पवार के? नहीं, भतीजे हैं ठीक है, शरद पवार ने मना कर दिया कि मेरे को तो जानकारी नहीं है कि हुआ क्या ये। लेकिन आप नहीं, ढोंग कौन कर रहा है, ढोंग कर कौन रहा है, ढोंग बीजेपी कर रही है? आप बताइए ढोंग कौन कर रहा है? ढोंग तो वो लोग कर रहे हैं। अभी आपने देखा हम और आप क्या सुबह से क्या देख रहे हैं, सब लोग यही कह रहे हैं कि हमने पता ही नहीं है हमारे विधायक गए हैं नहीं गए।
आरोप किसके ऊपर है? आरोप है एनसीपी के ऊपर, आरोप किसी व्यक्तिगत विधायक के ऊपर कोई आरोप नहीं है। और अगर और बीजेपी सरकार बना रही है वो कुछ नहीं है, नहीं बीजेपी वो कुछ नहीं है। नहीं, आप क्या समझते हो कि बीजेपी दोबारा चुनाव में चली जाए दोबारा? आप देखिए जनता का पैसे से चुनाव होता है और छह महीने तक जो है दोबारा चुनाव कराना है अगर राष्ट्रपति शासन लगेगा तो। बिल्कुल मनोज जी, मनोज जी ये तो जनता के हित में काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जनादेश तो कुछ और कह रहा था ना। नहीं जनादेश, अब जनादेश तो किसी को स्पष्ट मिला नहीं ना, स्पष्ट नहीं मिला। जनादेश में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, एक बड़ा रोल निभा गई थी ना वो बीजेपी, शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने चाह रही थी और शायद जनादेश यही कह रहा था। और जिन पार्टियों के खिलाफ आप लड़ रहे थे आज उन्ही पार्टियों के विधायकों के बलबूते सरकार बना रहे, चाहे वो शिवसेना हो या फिर आप हो, तो काम तो आप भी वही कर रहे हैं जो शिवसेना कर रही थी। नहीं नहीं नहीं, वो शिवसेना ऑलरेडी, शिवसेना की जो डिमांड थी, जो मांग थी वो अनुचित थी, वो उचित थी नहीं। आप बताइए शिवसेना मुख्यमंत्री बनाने पड़ी रही, कब तक चलेगी चीजें? ठीक है ना, कहीं ना कहीं तो जो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो अधिकार उसी का है, शिवसेना का नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जब शिवसेना ये साफ कर चुकी थी कि कहीं ना कहीं जो चुनाव लड़ा गया था वो इसी आधार पर लड़ा गया था, इसी शर्त पर लड़ा गया था कि 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री, 2.5 साल आपका, बंद कमरे में बात हुई। लेकिन बंद कमरे में क्या बात हुई वो भी आप लोगों की तरफ से साफ। आप बताइए गडकरी जी ने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताई कि हमारी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई, हमने कभी ये नहीं बोला कि 2.5 साल इनका मुख्यमंत्री रहेगा, 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री रहेगा। सिर्फ हमने गठबंधन इस बात पे अभी इन्होंने बताया कि बाला साहब ठाकरे ने एक नीम रखी थी। आपकी पार्टी समझा सकती थी शिवसेना को, क्यों नहीं समझाया गया? क्यों ये सामंजस्य बिठाने की कोशिश नहीं की गई शिवसेना? क्योंकि आप दोनों की पार्टी एक विचारधारा वाली है और अब एनसीपी के विधायकों के साथ जुड़कर आप सरकार बना रहे हैं। आप हिंदुत्ववादी जो विचारधारा रखते हैं तो वो सेक्युलर है, तो ये कैसे मेल खाएगा? जनता के हित कैसे साथ पाएंगे आप? अंशिमा जी इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, जब लालच होता है, जब धृतराष्ट्र ने उसको राजपाट देने की बात कही दुर्योधन को, तो महाभारत हो गया। ठीक है, आज शिवसेना उद्धव ठाकरे अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वो लालच में है, उन्होंने प्रदेश का भला सोचा ही नहीं। और अब आप क्या कर रहे हैं? हम प्रदेश का भला सोच रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। संदीप जी, मैं आपसे चीज समझना चाहूंगी, क्योंकि सत्ता पाने के लिए गठबंधन तो हो जाते हैं लेकिन जब स्वार्थ हावी होता है सरकारें गिर भी जाती है, या तो सरकार बनने से पहले ही गिर गई। लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी और एनसीपी के विधायकों ने मिलकर, जैसे कि कह रहे हैं शरद पवार की, हालांकि उनको नहीं पता था इस चीज का, लेकिन अब जिस तरह से सरकार बन रही है, इस स्थिति को किस तरह से देखते हैं? और रातों रात ऐसा क्या हुआ, कहां ऐसी चूक रह गई कि स्थिति पलट गई सुबह तक? अंशिमा जी देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर इसमें पूरे चीज को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आज समझने की कोशिश करती हैं, तो इसमें शिवसेना का रिप्लेस जो है एनसीपी ने कर दिया है। जिस तरीके से शिवसेना वहां पे उप मुख्यमंत्री हो सकती थी, कैबिनेट में एक मंत्री उनका हो सकता था, आज एनसीपी का उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में हो जाएगा। और आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, पवार साहब एक नाम आगे करेंगे, हो सकता है वो उनकी बेटी सुप्रिया सुले का हो, तो कैबिनेट में एक मंत्री, जिस तरीके से शिवसेना का एक मंत्री कैबिनेट में था, उसकी जगह कोई ना कोई आ जाएगा। और शिवसेना तो पूरे तरीके से महाराष्ट्र में अपने वर्चस्व के लिए लड़ती दिखाई देगी आपको, और एनसीपी सर्वाइव कर जाएगी, क्योंकि पवार साहब बहुत पहुंचे हुए पॉलिटिशियन है, उन्होंने कांग्रेस को भी निपटा दिया एक ही वार में, और एक ही वार में उन्होंने शिवसेना को भी निपटा दिया, और वो समझ रहे हैं आज के टाइम में जो एक राष्ट्रवाद की एक चीज चली है देश के अंदर, एक हिंदुत्व का मुद्दा चला है, पवार साहब भी इस चीज को मानते हैं और उनके फॉलोअर्स भी मानते हैं, और वो लोग खुश हैं इस चीज से कि हम लोग बीजेपी के साथ जाके अपनी सरकार बना रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे इस तरीके से ये पूरा परिप्रेक्ष्य, तो यानी कि ये जो पूरा गेम खेला गया है ये शरद पवार की तरफ से, ये बिल्कुल, शरद पवार बहुत मजे हुए खिलाड़ी है राजनीति के, और महाराष्ट्र की राजनीति में मैं नहीं मानता उनसे बड़ा कोई नाम है दूसरा। और कांग्रेस की स्थिति, जिस तरीके से कांग्रेस ने इतना टाइम लिया और कांग्रेस बड़ी सोच सोच के स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे कुछ ना कुछ कर रही थी, आज उनकी स्थिति पे अगर मैं कहूं तो मैं यही कह सकता हूं कि कैद में है बुलबुल सयाद मुस्कुराए, चुप रहा भी ना जाए, कुछ कहा भी ना जाए, अभी अहमद पटेल को आप सुन रहे थे, ऐसी स्थिति आज उनकी है। बिल्कुल रियान जी, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, क्योंकि यहां पर साफ तौर पर जिस तरह से स्थिति बन गई है, और हालांकि एनसीपी के जो प्रमुख है शरद पवार, वो कह रहे कि उनको इस बात की जानकारी भी नहीं थी, शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसके बाद उनको ये जानकारी मिली, लेकिन 35 विधायक, इतनी बड़ी संख्या में विधायक टूटकर बीजेपी की ओर जाते हैं, क्या वाकई उनको इसकी जानकारी एक भनक भी नहीं लगी होगी? हाँ देखिए आशिमा जी, मैं बताना चाहूंगा ये बिल्कुल झूठ है और बेबुनियाद बात है कि इस बारे में शरद पवार को जानकारी नहीं थी, या शरद पवार का ये इंटेंशन नहीं है, वो चाहते नहीं है सरकार बनाना, वो चाहते भी हैं। आप ध्यान से देखिएगा कार्यक्रम को, पूरे कार्यक्रम को, ठीक जिस तरह कुछ समय पहले
प्रधानमंत्री जी ने शरद पवार जी से मुलाकात करी, वो मुलाकात शरद पवार जी से ही क्यों हुई थी, अजीत पवार जी से क्यों नहीं हुई? शरद पवार जी से जिस तरह मुलाकात हुई और जिस तरह कुछ ही घंटों के बाद सरकार बना ली जाती है एनसीपी तरफ से, देखिए कहने को तो कुछ लाज बचाने के लिए कहना ही पड़ेगा ना भाई। आप क्या एक वो कह के आए थे कि कम्युनलिज्म है और हम सेकुलर हैं और हम भाईचारे की तरफ हैं और आप सीधा उन्हीं के साथ सरकार बना रहे हैं, तो कम से कम आपने अपनी लाज बचाने के लिए भी तो कुछ शब्द आपको चाहिए ना। बिल्कुल, वो इसी के लिए उठापटक की जा रही है कि अजीत पवार जी को हटा दिया जाएगा, रिमूव कर देंगे, ये कर देंगे और वो कर देंगे। बिल्कुल, शरद पवार जी की जारी रखेंगे। लौटूंगी रिहान जी मैं आपके पास, लेकिन जिस तरह की स्थिति बन रही है अब फ्लोर टेस्ट पर कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी परीक्षा देनी होगी, क्योंकि कांग्रेस शिवसेना उद्धव ठाकरे ये दावा कर चुके हैं कि हम एक हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ और नए खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता देवेंद्र प्रमुख है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजनीतिक विश्लेषक परविंदर सेठी और संदीप चौधरी हमारे साथ, तो वहीं राहुल लाल वरिष्ठ पत्रकार हैं और स्काइप से रफि अथा कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी देवेंद्र जी, क्योंकि आप लोगों की सरकार तो बन रही है, लेकिन जिस तरह से यहां पर अहमद पटेल ने कहा है कि आज की जो पूरी घटना है वो काली शाही से लिखी जाएगी इतिहास में। आशिमा जी, मैं क्लियर करना चाहूंगा कि आज का जो समय है सबसे पहले तो बधाई का समय है और महाराष्ट्र के साथ साथ मैं पूरे देश को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र का जो ये सिस्टम था लगभग 2 से 2.5 महीने का समय निकल लिया, लगभग 2 महीने होने को जा रहे हैं इसको, और जनता ने जो लोकतंत्र के हिसाब से महाराष्ट्र को जनादेश दिया था उस जनादेश का इंतजार था। और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरा नेतृत्व बैठकर ये भी देखना चाहता कि महाराष्ट्र का जो डिसीजन हुआ है वो जनता क्या चाहती है जिसने लोकतंत्र में बहुमत दिया है। अब रही शिवसेना की बात या किसी और पार्टी की, मैंने ज्यादा करना चाहता, सबको मौका दिया गया जी, सबको समय दिया गया, सब तरीके से सबने सब चीज अपनाई जी। लेकिन जब जनता का एक सर्वे आगा आपके माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, लोगों ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार बननी चाहिए, तो हमारे जो राष्ट्रीय नेता है उन्होंने ये मन बनाया कि वास्तव में जो सरकार महाराष्ट्र में बननी चाहिए और एक लोकतांत्रिक तरीके से। पहले क्यों नहीं बना दी गई, क्योंकि जब आपको मौका दिया गया था, देखिए आपको मौका दिया गया था ना राज्यपाल की तरफ से, तो अगर आपको लग रहा था कि ये कुछ विधायक है जो आपके संपर्क में है तो पहले ही क्यों नहीं, क्यों इतनी नौबत, एक महीने का वक्त जनता का चला गया। मैं इसमें ये क्लियर करना चाहता हूँ, अगर देखिए हमने बिगर कुछ किए जी, आप पीछे डिबेट्स निकाल के देखिए, जब भी कोई हमने प्रयास किया कुछ किया तो एक महाराष्ट्र में आवाज उठने लगी कि तोड़ने का काम किया जा रहा, जोड़ने का काम किया जा रहा, उद्धव ठाकरे का काम किया जा रहा। देखिए उद्धव ठाकरे जी कहो, बिल्कुल अस्मिता जी, उद्धव आएंगे, देवेंद्र जी आएंगे, बिल्कुल रफी जी की बात सुन लेते हैं, वो कुछ कहना है, बहुत बेचैन लग रहे हैं जी रफी जी। मुझे इनके ऊपर तरस आता है कि ये लोकतंत्र की खेवनहार बन के बैठे हैं ना, जो चोर दरवाजे से आधी रात को सत्ता हथियाते हैं, सत्ता प्राप्त नहीं करते ये हथियाते हैं। उनके लिए मेरा एक शेर है, बहुत दिनों से था, शेर पढ़ते रहो आप बैठे बैठे, आपको शेर पढ़ने के लिए यहाँ बैठाया मित्र, शेर पढ़ते रहिए, शेर ही तो याद करेंगे आपको, खुश होना चाहिए, बोलने दीजिए। आप बधाई दीजिए पहले महाराष्ट्र की जनता को, बधाई दीजिए भारतीय जनता पार्टी को कि महाराष्ट्र की जनता का जो सम्मान रखने का काम किया। आप तो सुन लीजिए, जी बोलिए रफी जी, आप ही को सुन रहे हैं देवेंद्र जी, बोलिए। छोटे आपकी जैसे चाहे, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से बोले आप, सर कहीं ना कहीं आपका ये शेरो शायरी वाला अंदाज ही ले डूबा है, मंथन पर मंथन चल रहा था और खुद अहमद पटेल ने मान लिया है कि सहमति बनाने में कुछ वक्त लगा जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। परविंदर जी मैं आपके पास आऊंगी, आखिर रातों रात ऐसे क्या हुआ, क्योंकि कल रात तक स्थिति कुछ और थी और माना जा रहा था कि राजनीतिक ठाकरे का जो है राज आ गया है, लेकिन अब ऐसे में सुबह तक जो तस्वीर बदली, ऐसा क्या हुआ रातों रात कि समीकरण ही बदल गए पूरे? देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो ये भारतीय राजनीति में जो ये गिरावट आई है ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं सभी पार्टियों के लिए कहता हूँ कि आपके लिए सिर्फ सत्ता ही सब कुछ है, आपका कोई किरदार नहीं है, आपकी आपकी किसी तरह से कोई विचारधारा नहीं है। आपने जो जनता के साथ, जनादेश के साथ धोखा किया है, उनके साथ जो चीटिंग हुई है, ये चीज दर्शाती है कि आप दो लोग आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, फिर बाद में दोनों लोग मिल जाते हैं
तो ये बात समझ में आती है कि चुनाव की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप आपस में डील करके तय कर लीजिए कि भी मैं ये मंत्री बनूंगा, मैं ये मंत्री बनूंगा, और उसके बाद आप सरकार बना लीजिए। जनता जनता जो इस समय है वो बड़ी दुविधा में है जी। जनता अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करती है, और वो ये देख रही है कि भी ये तो सारे एक ही थाली के चक्कर बटे। दोनों तरफ से परविंदर जी ठगा महसूस कर रही है, चाहे वो शिवसेना की तरफ से हो या बीजेपी की। मैं सभी पार्टियों के लिए कह रहा हूँ, जनता तो ये कह रही है सारे ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और इन सबको सत्ता चाहिए किसी भी कीमत पर, किसी भी हद तक गिरने के बावजूद उन्हें मंत्रालय चाहिए। देखिए मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की जब आपस में नहीं बनी शिवसेना के साथ, वो भी सीएम पद के लिए, तो उन्होंने फटाफट राष्ट्रपति रूल लगा दिया कि जो छुपे हुए एमएलए थे वो बाहर आए और उनकी खरीद फोत हो सके जी। तो ये एक मोटिव था, और वो साइलेंट होके उन्होंने अब ये बताया कि हमारे पास संख्या, उन्होंने फटाफट शपथ ग्रहण भी कर ली। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं ये जो सहमति नहीं बन पा रही थी और बैठकों का दौर चल रहा था, ये भी एक बड़ी वजह मानी जाएगी। देखिए अब आपको ये नहीं पता कि उनके पिटारे में इंडिपेंडेंट है या एनसीपी के एमएलए हैं या किसी और पार्टी के एमएलए हैं। बीजेपी ने अपनी संख्या पूरी किस प्रकार से करी है ये तो वही जानती है। बिल्कुल, लेकिन कहा जा रहा है कि अजीत पवार 35 विधायक लेकर पहुंचे हैं, तो वहीं कई अन्य भी हैं जिनसे अब संपर्क चल रहा है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट पर ये कहा जा रहा है कि अन्य भी जो है वो कई ऐसे विधायक हैं जो उनको समर्थन दे रहे हैं। तो देखिए उन्होंने कोई चीज रिटर्न में उनका समर्थन तो नहीं है किसी भी एमएलए का, उन्होंने तो एक जॉइंट दिया कि 54 के 54 एमएलए जो है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये तीनों दलों को समझने की कोशिश करनी चाहिए थी, शायद वक्त रहते वो अगर फैसला लेते, सहमति बन जाती, तो स्थिति कुछ और होती। नहीं देखिए, आप बड़ा सीधा सीधी सी बात है कि जो खरीद फरोख्त हुई है, जिसमें सेटलमेंट हुई है, चाहे मंत्रालय की सेटलमेंट हुई है, चाहे पैसे की सेटलमेंट हुई है, उस प्रकार से ही सरकार बन रही है। ये सारी ही पार्टियां हर तरह का प्रयास कर रही है कि किसी प्रकार से हमारी सरकार बन जाए। बिल्कुल, आप मैं राहुल जी आपके पास आना चाहूंगी, आप किस तरह से देखते हैं फिलहाल की स्थिति को, क्योंकि कल तक कुछ और स्थिति, सुबह उठे भी नहीं, आंखें भी नहीं खुली और कुछ और दिखाई दिया, और खुद शरद पवार मान रहे हैं कि बहुत अजूबा है। देखिए शरद पवार जो बोल रहे हैं, मैं हमेशा से आपके कार्यक्रम में उस दिन 24 अक्टूबर को भी कहा था और आज भी मैं कहूंगा, अभी ये घटनाक्रम रुका नहीं है यहीं पे। देखिए शरद पवार जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं, जो करते हैं वो बोलते ही नहीं है, तो इसलिए वो उनके राजनीति का एक अलग सा पैटर्न रहा है। हम लोग हमेशा से कहावतें हैं उनको लेके प्रचलित की उनके दाएं हाथ को नहीं पता होता कि बाएं हाथ क्या करने वाला है, बाएं हाथ को नहीं पता होता दाएं हाथ क्या करने वाला है। देखिए इसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा 1991 में, उसको घटनाक्रम का वर्णन उन्होंने अपने किताब में किया है, लाइफ ऑन माई टर्म्स फ्रॉम ग्रासरूट्स एंड कॉरिडोर्स ऑफ पावर। इस किताब में घटनाक्रम का वर्णन कर रहे हैं, वो मुझे बिल्कुल ध्यान में आ रहा है, उसमें वो स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार था 1991 में, लेकिन हमें सोनिया गांधी और उनके सलाहकारों ने प्रधानमंत्री पद पे नहीं आने दिया। तो एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उसी का राजनीतिक प्रतिशोध भी है, क्योंकि जो चीज वो कह रहे हैं कि अजीत पवार बिना उनके अनुमति के चले गए, तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में अगर ऐसा हुआ है तब तो ये फिर ये बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरह से शरद पवार का सूर्य अस्त हो गया है। लेकिन मैं इसे मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, क्योंकि देखिए पूरे घटनाक्रम को हम लोग देखते हैं तो लगातार डे वन से ही शरद पवार दोनों पक्षों में लगातार वो समान पकड़ बनाए हुए थे, वो कांग्रेस के साथ भी संपर्क में थे और वो लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ भी संपर्क में थे। अभी हम लोगों ने देखा जब 250वां सत्र जो है कि जब 250वां सत्र राज्यसभा का था उसमें उन्होंने प्रशंसा भी की, तो ये तमाम चीजें थी और वहीं से कहीं ना कहीं अटकल जो है वो लगी। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? देखिए उनका मुख्य लक्ष्य को अगर हम लोग को समझना पड़ेगा विश्लेषण करते हुए, वो लगातार दोनों धड़ों में थे और अपने बार्गेनिंग कैपेसिटी को काफी हाई कर रहे थे। देखिए रात में उन्होंने एक तरह से बयान दे दिया कि शरद उनके उद्धव ठाकरे के नाम पे सहमति हो गई। ये रियल कहानी ऐसा नहीं है कि ये पिक्चर जो हम लोगों ने सुबह देखा है रात भर में इसकी स्क्रिप्ट लिख दी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पीछे से चल रही है, स्क्रिप्ट कई घंटे से पहले से चल रही थी और स्पष्ट है अब तो पूरे घटनाक्रम सामने आने के बाद से कि जब वो प्रधानमंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से वो मिल भी रहे थे तो उसमें वहां पे अमित शाह भी मौजूद थे, निर्मला सीतारमन भी मौजूद थी, स्पष्ट है कि इसका स्क्रिप्ट उसी दिन काफी हद तक की पिक्चर उसी समय तक ये लिख दी गई होगी जो अब हम लोगों के सामने में है। तो अब एक प्रश्न ये उठता है कि आखिर जब वो इस तरफ इस धड़े में थे
तो लगातार कल क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, अभी क्या हो रहा था, तो देखिए उस समय भाजपा को भी ये संकेत देने का पूरा प्रयास। रफी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके सुन लेते हैं। रफी जी, अहमद पटेल जो आपकी पार्टी के नेता हैं, वो खुद मान रहे हैं कि सहमति बनाने में कुछ वक्त लगा और शायद यही खामियाजा आपको भुगतना पड़ गया। आपकी नजर में क्या चूक रही है आपकी पार्टी की तरफ से? नहीं, देखिए सहमति बनाने में वक्त लगता है, लेकिन इतना वक्त कि सपने आप देख रहे थे पार्टी कोई और ले उड़ा। देखिए इतना समय नहीं गुजरा था जी, तो मर्यादाएं ताक पर रखकर पहले राज्यपाल का जो राष्ट्रपति शासन राज्यपाल ने लागू किया वो भी आपने देखा था कि मर्यादाएं ताक पर रखी गया था। वो एनसीपी को शिवसेना को टाइम देते हैं, एनसीपी को टाइम देते हैं, कांग्रेस को टाइम नहीं देते हैं, एनसीपी का टाइम ही आकर खा जाते हैं। बिल्कुल दोपहर में जाके कैबिनेट की मीटिंग होती है और तुरंत वो राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाती है जी। तो आपको समझना चाहिए था ना सर। सुनिए आशिमा जी, सुनिए, कल शाम को सारी बातें हो रही थी और ये कह दिया गया था कि सुबह होगा ये षड्यंत्र जो रचा है, मैं कहूंगा ये काला अध्याय है सर। ये काला अध्याय आप कह तो रहे हैं, अहमद पटेल आप कह रहे हैं कि हमारे सारे विधायक मजबूत हैं और फ्लोर टेस्ट पर चुनौती देंगे, हराएंगे, ये पहले क्यों नहीं कर लिया गया? इतनी देरी क्यों लगी आप लोगों को समझने में? आप लोगों को, आपकी पार्टी को इतनी देरी क्यों लगी समझने में? जो मजबूती अभी आप दिखा रहे हैं, जो सहमति की बात, जो अब चीजें आप समझ रहे हैं कि सहमति में कुछ वक्त लगा, ये पहले क्यों नहीं समझ लिया आपकी पार्टी की तरफ से? जो हमारा, क्योंकि आप लोगों का ही छुट्टा हुआ था, कभी आप एनसीपी के पाले में गेंद फेंक रहे थे, कभी एनसीपी आपके पाले में गेंद फेंक रही थी। आशिमा जी, जो हमारा हो रहा था वो दिन जो उजाले में हो रहा था, हम जो दिन जो उजाले में मीडिया कर रहे थे, हम आधी रात के बाद मीडिया नहीं कर रहे थे, हम जो गुप्त रूप से क्या षड्यंत्र रचा था, ऐसा नहीं हो रहा है। अजीत पवार किस वक्त जाते हैं, किस वक्त आप देखिए जिस तरीके से शपथ ग्रहण हुआ है मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का, और लोकतंत्र में कहीं भी शुचिता दिखाती है क्या? लोकतंत्र की मर्यादा वो है क्या? आप बताइए, ऐसे पत्रकार आप विश्लेषक के नाते, पत्रकार के नाते ठीक है, आप बताइए ये लोकतंत्र की हिफाजत करने वाले लोग हो सकते हैं क्या? बिल्कुल रफी जी, संदीप जी से समझ लेते हैं कि क्या ये ठीक है या वाकई संविधान में काला इतिहास रच दिया गया है बीजेपी की तरफ से। संदीप जी आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से रफी जी सवाल खड़े कर रहे हैं कि रात तक कुछ और स्थिति थी लेकिन सुबह उठते आग भी नहीं खुली और शपथ ग्रहण समारोह हो गया, काला इतिहास है, तो आप क्या मानते हैं ये ठीक है? आशिमा जी मैं आपको बताऊं, रफी जी सुन लीजिए, संदीप जी की सुन लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, उनसे समझ लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए रफी जी शायरी में बहुत अच्छे से समझते हैं, तो पहले मैं एक छोटी सी उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि गम उनका नहीं जो मौज के मारे बीच समुद्र डूब गए, रोना तो उनकी किस्मत पर जो बैठ किनारे डूब गए। कांग्रेस इतना टाइम लगा दिया, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल किनारे पे बैठी हुई थी, पैर लटका के कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और सारी चीजें टाइम की वजह से हाथ से निकल गई। देखिए आसिमा जी, इसमें चीजें ये थी, किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं था, हर किसी के बीच में वो लड्डू रखा था, सब उसे उठाने के चक्कर में थे। और रफी जी परेशान ना, रफी जी आप इतनी नाराजगी दिखा रहे हैं, इतना गुस्सा दिखा रहे हैं, जो एक्टिव अब आप हो रहे हैं इस डिबेट में, ये एक्टिव अगर आप पहले हो जाते, वही कह रहे हैं संदीप जी कि अगर पहले आप समझ लिया जाता आपकी तरफ से तो शायद ये नहीं होता। आसिमा जी आप किस बात की नाराजगी? अहमद पटेल कहते हैं तो प्रॉब्लम कहां पर है कि बैंड बाजा बारात के बिना ही शपथ ले ली गई? दुख कहां पर है कि शपथ ले ली ये या बिना बैंड बाजा बारात की शपथ हुई है, इसका प्रॉब्लम है आपको? आधी रात को बारात लेके जाते हैं, रफी जी बारात आधी रात में ही चढ़ती है, रात को चढ़ती है ज्यादातर बारातें, आपको ज्ञान नहीं है मुझे लग रहा है। रात की बारातें बड़ी दमदार होती हैं, बड़ी चमक होती हैं, आशिष बाजियां होती हैं, बैंड बाजे होते हैं, चलिए रफी जी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं तो देवेंद्र जी से इसका जवाब ले लेते हैं। देवेंद्र जी ऐसा क्यों कि आपने आधी रात में डाका क्यों डाला? दिन में काम करते हैं वो, उजाले में काम करना पसंद करते हैं, तो आप लोगों की तरफ से ऐसा क्या हुआ कि रातों रात आपने ये सब चीजें स्थिति बना दी, तस्वीरें उलट दी? रफी जी हंसते भी खूब है, रोते भी खूब है, दोनों चीज है। आप अपने समझ में नहीं आ रहा, आपकी हंसी का राज समझ में नहीं आता, कभी कभी आप रोने लगते हैं, ये भी क्लियर करिए रफी जी, इतना गुस्सा आता है आपको? लेकिन देवेंद्र जी पहले जो सवाल आपसे पूछ रहे उसका जवाब दे दीजिए।
आसिमा जी मैं दे देता हूँ सवाल का जवाब। बिल्कुल देखिए, एक हमारे यहाँ रीति रिवाज होता है, 4-5 बजे उठते हैं, जब बारात जानी होती है ना उससे पहले घुड़चड़ी होती है, तो उसी तरीके से 4-5 बजे उठे और सब तैयार हुए, नहाए धोए और ये शपथ ग्रहण हो गया, तो बहुत ही शुभ घड़ी में ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, उसमें ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना था। रवि जी आपको भी बारात में शामिल होना था, रवि जी पता नहीं दिया घुड़चड़ी में शामिल होने का, रवि जी का दुख है आपको। वो तो डरे हुए हैं कि क्या हम बारात लेगा, हम तो सरकार को बना ले, हमारी बारात ना चले, वो तो हमारी बारात करने से डरे हुए हैं। लेकिन मैं ये कह दूं बारात चलेगी, क्योंकि ये जो अलैतिक गठबंधन करते हैं वो चलते नहीं है। फ्लोर ऑफ द हाउस ये गिरे ही होंगे, वो फ्लोर ऑफ द हाउस ये गिरे ही होंगे, वो ठीक है। सरकार इंशाल्लाह तीनों दलों की हमारी बनेगी, कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना की सरकार बनेगी। कैसे बनेगी सर, हम अभी विश्वास कैसे बनेगी, सरकार लेकिन जब गिरेगी, जब आप तैयार रहना, आप अपनी डोली सजा के रखो, जब गिरे उसका इंतजार करो, 5 साल इंतजार करो। अभी रफी भाई 5 साल इंतजार करिए, ये पूरी चलेगी सरकार, चिंता ना करें आप। आपको पूरा मौका दिया गया, पूरा फील्ड तैयार किया गया, आपके पास ना बल्लेबाज थे ना बैटिंग कर सके ना फील्डिंग जमा सके, अपने गिरबा में झांकिए और अपनी हालात पर बैठ के शेर पढ़िए और आराम से देवेंद्र जी, कोई देवेंद्र जी को रोकने देवेंद्र जी गिरेबा में तो आप लोगों को भी झांकने की जरूरत है, क्योंकि जनादेश देखा जाए तो शिवसेना और बीजेपी को साथ लेकर चलने का था कि दोनों सरकार, दोनों जो गठबंधन बनाकर जनता के हित में काम करें, लेकिन आप अपनी विचारधारा से अलग एनसीपी विधायकों के साथ सरकार बना रहे हैं, आप भी तो वही काम कर रहे हैं ना जो शिवसेना कर रही थी। मैं इस पे क्लियर करना चाहूंगा जी, देखिए अगर हमें ऐसी ही सरकार बनानी होती तो अब से हम कह रहे हैं कि 1 से 1.5 महीने पहले हम बिल्कुल आराम से सरकार बना सकते। तो आप क्यों बनाई, आप बनाने का कारण है, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि आपका पूरा मीडिया, पूरे देश का मीडिया जो है महाराष्ट्र में जाकर वहां हर आदमी का उन्होंने ओपिनियन कराया, उनकी मर्जी पूछी है, ज्यादातर 90% लोगों ने चाहा कि महाराष्ट्र में सरकार का गठन होना चाहिए जी। और बीजेपी सबसे बड़ा दल है वहां, और बीजेपी की जिम्मेदारी बनती थी वहां, और बीजेपी ने खो भी तो मौका शिवसेना को दिया और बोला बार बार उनसे, और सारी चीज होने के बाद भी जब शिवसेना ने, और संजय राउत जी मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन बराबर टीवी पे 1 महीना से बोल रहे हैं कि 2 घंटे 4 घंटे मात्र 8 घंटे कल शपथ फलाना समारोह, और उसके बाद जब एनसीपी के नेता सब जगह मुलाकात करके आए और जनता की मर्जी को देखते हुए, हमें लगा कि हमारे पास बहुमत है लोकतांत्रिक तरीके से, और अजीत पवार जी हमारे साथ आ रहे हैं, जनता चाहती है तो हमने वहां सरकार बनाने का काम किया, जनता की मर्जी से किया, जनता की मर्जी से नहीं दिखता है। देखना पड़ेगा, देखिए जी प्रवीण, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, देखिए ना तो वहां पे एक तरह से कांग्रेस की तरफ से निभाई गई ना तो भाजपा की तरफ से निभाई गई। देखिए जनादेश एक तरह से शिवसेना और बीजेपी के लिए था, अगर पूरे घटनाक्रम को हम लोग देखते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो अपने सहयोगी दलों के साथ जो रवैया है वो रवैया भी इसमें जिम्मेदार है, एक तरह से कम्युनिकेशन गैप की स्थिति भी रही। ये हम लोग अगर देखते हैं ये कम्युनिकेशन गैप की जो बात कर रहे हैं, इसके लक्षण आपको कहां दिखेंगे, देखिए अकाली दल को अगर छोड़ दिया जाए, अभी झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं, ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे घटक दलों को छोड़ के सारे सीटों पर वो अकेले लड़ रहे हैं, तो एक तरह से जो घटक दल और जो गठबंधन की जो पूरी नीति थी उस नीति के साथ साथ आप सही ढंग से अपने गठबंधन दलों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। और जो घटना आज घटी है, देखिए 2014 के जब 2014 में भी एक तरह से जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों अलग होकर लड़े थे, उस समय भी इस सरकार को उस समय प्राथमिक तौर पर बाहर से समर्थन देने का काम एनसीपी ने ही किया था। तो देखिए इसलिए एनसीपी का उनके साथ आना कोई बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक चीज नहीं है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो अंदर खाने लगातार दोनों समूहों से संपर्क में थे। लेकिन यह भी मैं दर्शकों को बता दूंगा कि अभी महाराष्ट्र की घटनाएं खत्म नहीं हुई हैं, बहुत सारे चीजें हम लोगों को और भी दिखेंगे, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के जो विधायक हैं जिसको कि जयपुर में जाके सुरक्षित रखा गया था, वो भी कहीं ना कहीं जो है कि वो एक तरह से वो भी संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी के, ऐसा भी न्यूज आ रहा है। अब उसको कांग्रेस कितना सुरक्षित रख पाती है, भाई आपके इधर देखिए ना, आपके विधायकों को आपको रिजॉर्ट में रखना पड़ा था, तो वो अब आप लोगों के लिए चुनौती है। आप टीवी चैनल पे बोलने से ज्यादा अच्छा है कि आप उनको सुरक्षित रख लें, वो ज्यादा बेहतर चीज है। चूंकि देखिए 1994 में
बिल्कुल, लेकिन आपको मैं बता दूं, ताजा अपडेट दिखा रही हूँ किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जश्न का माहौल बीजेपी कार्यकर्ताओं में। लेकिन सवाल यही है कि रातों रात क्या हो गया ऐसा कि आखिर क्या कांग्रेस की तरफ से देरी कर दी गई सहमति बनाने में, या फिर ये जो अंदर खाते चीजें चल रही थी वो रातों रात की थी या पिछले कुछ वक्त से ही चल रही थी। अब ऐसे में सवाल कई तरह के सरकार बनाने को लेकर खड़े हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं के जश्न की, खुशी का माहौल है। तो बता दें कि अजीत पवार डिप्टी सीएम, तो वहीं एक बार फिर से सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने जो है शपथ ले ली है, और कहीं ना कहीं वो दावा ठोक भी रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और शायद जो बीजेपी ने दावा ठोका वो करके भी दिखाया। परविंदर जी किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बीजेपी जो कहती है वो तो करती है, जो नहीं भी कहती है वो भी कर दिखाती है, कहीं ना कहीं अभी फिलहाल की स्थिति में तो यही लग रहा है। देखिए, जो जो कटु नीति और जो राजनीतिक सूझबूझ बीजेपी के अंदर, वो किसी पार्टी के अंदर नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि विचारधाराओं की कमी है। जब दो पार्टियों के बीच में गठबंधन होता है, विचारधाराओं का गठबंधन होता है। यहाँ पे कोई विचारधारा है ही नहीं। जो भी राहुल लाल जी ने कहा, जी अकाली दल के साथ जो गठबंधन हुआ था तो वो बिना शर्त से हुआ था, क्योंकि उनकी विचारधारा थी। वो कुछ मांगते नहीं, बीजेपी अपने आप उनको देती है। वो ऐसी विचारधारा है, एक दूसरे के लिए सम्मान की स्थिति है। अब यहाँ पे इन्होंने शिवसेना के साथ जो गठबंधन करा, उस समय इनकी कोई सेटलमेंट नहीं हुई, क्योंकि सारी चीजें पहले सेटल होती हैं। शिवसेना अपना मैनिफेस्टो लेके आ रही है, शिवसेना अपना सीएम घोषित कर रही है, बीजेपी अपना सीएम घोषित कर रही है। कोई एक दूसरे की बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, ना ऑब्जेक्शन कर रहा है कि जब हमने बोला कि देवेंद्र फडणवीस हमारे सीएम होंगे तो आप ये क्यों कह रहे हो कि शिवसेना का सीएम होगा। क्योंकि उनको ये पता है कि हम महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के बिना दोनों की स्थिति खराब रही थी पिछले चुनावों में, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक तरह से मौका प्रस्ती की और सत्ता के पास आने के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बाद उनके आपस में जो है कोऑर्डिनेशन नहीं बन सकी। तो आज को शनिवार, सुपर शनिवार जो है सियासत का साबित हुआ है, और पूरे घटनाक्रम पर अब ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम कैसे कर। तो देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, ये रात भर के किस तरह से बाजी पलटी है ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। तो 54 एनसीपी, 14 अन्य विधायकों के समर्थन का दावा है। अजीत पवार राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करें, तो शुक्रवार रात 12 बजे के पूरा घटनाक्रम आपको बता रहे। तो अजीत ने 54 विधायकों के साथ समर्थन का दावा किया, तो राज्यपाल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया। शनिवार सुबह 5:47 पर महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हटाया गया। तो शनिवार सुबह 6:30 के करीब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के शपथ ग्रहण की अर्जी भेजी गई। 11:05 पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी और परिवार में टूट हो गई है। सुप्रिया सुले का यह कहना था कि परिवार में टूट हो गई है, और सुप्रिया सुले ने व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए ये बात कही। तो 12:30 पर एनसीपी शिवसेना की साझा प्रेस वार्ता हुई। एनसीपी ने कहा, हमारा कोई भी विधायक बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। तो उद्धव ठाकरे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी, लोकतंत्र के नाम पर खेल चल रहा है। तो ये पूरा घटनाक्रम महाराष्ट्र को लेकर हमने आपको समझाया ग्राफिक्स के जरिए, और इसी पर लगातार चर्चा हमारे खास मेहमानों के साथ कर रहे हैं। संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जहां एनसीपी ये किनारा कर रही है कि मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, शरद पवार का ये कहना है, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि जो हमने किया है वो सही है। लेकिन अभी फिलहाल की स्थिति में एनसीपी खंड खंड और फडणवीस की सत्ता महाराष्ट्र में बुलंद। आसिमा जी देखिए, अभी कुछ टाइम पहले मेरे साथी राहुल जी ने बताया था कि शरद पवार जी जो कहते हैं वो करते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं, और ये बात कहीं ना कहीं सही है। और महाभारत में एक चीज आई थी कि अर्जुन ने पिता में भीष्म से जाके पूछा कि पिता में आप ये बताइए रास्ता कैसे निकलेगा जीत का, तो उन्होंने बताया यार शिखंडी को सामने करके आप मेरे ऊपर बाण चलाओ इस तरीके से। तो मैं जो शरद पवार जी हैं उनको
महाराष्ट्र का भीष्म पिता मैं मानता हूं, और ये सारे रास्ते उन्होंने ही निकाले हैं। तो आज की तारीख में जो भी चीज बनी है ये एनसीपी ने बनाई है, और एनसीपी की ही पूरी जो थ्योरी तैयार की गई है उन्हीं की है, क्योंकि आपको मालूम है काफी टाइम से बीजेपी भी सरकार बनाना चाहती थी, शिवसेना भी सरकार बनाना चाहती थी, और पवार साहब ने दोनों हाथ में अपने लड्डू रखे हुए थे, या आप कह लीजिए दो नावों में पैर रखा हुआ था, उन्होंने कांग्रेस वाली नाव से अपना पैर उठा लिया है। तो आज इस तरीके की स्थिति पैदा हुई है, और आपको बता दूं ये बहुमत भी साबित करेंगे और ये सरकार भी लंबी चलेगी, क्योंकि अगले 5 साल में शिवसेना को भी ये लोग निपटा देंगे और कांग्रेस को भी निपटा देंगे, एनसीपी भी मजबूत हो जाएगी और बीजेपी भी मजबूत हो जाएगी। क्या देवेंद्र जी ऐसा ही है? आप साफ कर दीजिए, अब तो तस्वीर, अब तो आपकी सरकार भी बन गई है। आशीमा जी, मैं तो देखिए लोकतांत्रिक तरीके से पहले भी बताया था कि सरकार बनी है, और सबसे पहले मैंने बधाई दी है, और बधाई के तो साथ ये शरद पवार किनारा क्यों कर रहे हैं इस चीज़ से? नहीं देखिए, किनारा ये उनका मामला है पवार जी, लेकिन का आप मानते हैं कि शरद पवार भी कहीं ना कहीं शामिल थे इन तमाम? देखिए ये सब चीज हम कैसे मान सकते, इतने प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, प्रमाणित नहीं कर सकते हम उसको। जब ये चीज प्रत्यक्ष में अपने आप ओपन हो जाएगी तो प्रमाणित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां तक मैं समझता हूँ। दूसरा ये है कि आज सबसे अच्छा दिन इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि हमने लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में एक सफल सुशासन की सरकार बनाई है, और बेदाग छवि के जो नेता है इसमें, दोबारा से जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे फडणवीस बने हैं, वो वास्तव में जरूरत थी महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में एक अच्छा संपन्न मुख्यमंत्री बेदाग, जिन्होंने 5 साल अपना दिया है, तो महाराष्ट्र की जनता ने उनको बहुमत पहले नंबर की पार्टी बनाने का काम किया, और देवेंद्र जी ने यह साबित किया कि जैसे महाराष्ट्र की जनता ने उन पर ट्रस्ट किया है, विश्वास किया है, उस विश्वास को उन्होंने साबित करने का काम आज वहां किया है, ये बड़ी बात। आप तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र के साथ, जो अगर विपक्ष की बात करें तो वो यही कह रहे हैं। देखिए विपक्ष का काम है आसिमा जी, मैं क्लियर करना चाहता हूं, इसकी घटना को काला इतिहास के तौर पर जाना जाएगा, लेकिन मैं आपसे यहां पर ये समझना चाहती हूं कि रातों रात ही ऐसा क्या हुआ कि इतनी सुबह सवेरे राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया, शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया, ये बात तो कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रही है आसिमा, ना जनता को भी ना तमाम पार्टी। मैं क्लियर करना चाह रहा हूं आपको, देखिए विपक्ष जो चिल्ला रहा आज, विशेष तक बोल रहे हैं, सारे टीवी चैनल्स बोल रहे हैं, पूरे भारत के चैनल्स बोल रहे हैं, दुनिया के चैनल्स भी बोल रहे हैं, शाम तक आप देख लेना क्या हुआ है। विपक्ष को पूरा मौका दिया है जी, पूरा मौका दिया, कहीं से कहीं तक रोकने का कोई काम नहीं किया। और मैं फिर क्लियर करना चाहता हूं कि हमको जब मैदान में आना पड़ा, जब जनता की सहमति हमें मिल चुकी है, और उसके बाद हमने ये काम किया और लोकतांत्रिक तरीके से किया है। और रही बहुमत की बात, तो बहुमत का टाइम मांगिए आप, जो भी मांगेंगे स्वागत है, हम बहुमत साबित करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। राहुल जी, क्या आप मानते हैं कि क्या जनता की सहमति के साथ बीजेपी इन विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाई है बीजेपी? ना, ये तो देखिए, ये तो खैर मैं इस बात से पूर्ण बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ जी। देखिए मैंने पिछले पहले ही कहा कि देखिए लोकतांत्रिक ढांचे का, अब भले देवेंद्र जी को लग रहा हो कि आज लोकतंत्र के लिए काफी स्वर्णिम इतिहास का दिन है, लेकिन अगर आप निष्पक्ष तथा सूक्ष्म देखेंगे तो ये महाराष्ट्र के जनता के साथ, देखिए जो पहले गठबंधन बन रहा था वो भी महाराष्ट्र की जनता के साथ छल था, और जो अभी भी गठबंधन जो बन रहा है वो भी महाराष्ट्र की जनता के साथ छल है, क्योंकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो इन दोनों ने इलेक्शन लड़े थे, इलेक्शन सुन तो लीजिए रफी जी सुन लीजिए, अब देवेंद्र जी स्टूडियो में मौजूद है, देखिए मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, देखिए रफी जी को तो बोलना है, ना उनको अपने का पता, ना उनको अपने का पता। अंततः जनता क्या चाह रही थी, बोल रहे रामलाल जी बैठ के सुनिए रफी जी, बहुत जनता क्या चाह रही थी, जनता की इच्छाओं का नहीं हुआ ना, पहुंच पा रही है शायद ये वजह है। मैं कह रहा हूँ आसिमा जी की जनता की इच्छाओं का कहाँ पालन हुआ, इसमें जनता की इच्छाओं का पालन होता तो मध्य रात्रि में शपथ ग्रहण का क्या उम्मीद था। तो देखिए ये सबों को पता है कि राजनीतिक दावपेच की स्थिति है, इसमें जनता को लाना, हम लोग देख रहे थे कि जब शरद पवार मिलने के लिए गए थे या इनकी कोई बैठकें भी हो रही थी, जब शरद पवार सोनिया गांधी से मिलने जा रहे थे तब भी कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र के किसानों का मामला है, जब शरद पवार जो है कि मिलने के लिए जा रहे थे प्रधानमंत्री से तब भी कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र के किसानों का मामला है। तो अब तो हम लोग समझ रहे हैं कि महाराष्ट्र के किसानों की चिंता थी या सरकार बनाने की चिंता थी, तो सरकार बनाने की चिंता थी, महाराष्ट्र के किसानों किसान तो केवल एक बहाना बने हुए रहे, स्पष्ट रहा ये चीज, और जनता को कहीं ना कहीं एक तरफ ही कर दिया गया, तमाम जनता को बिल्कुल सवाल जरूर खड़ा हो जाता है। जो चीज आपने आपकी जवाब देने के लिए, क्या मेरा नंबर अगर दोबारा आएगा मैं बोलूंगा जी, जो मध्यरात्रि का जिक्र किया राहुल बड़े भाई ने हमारे, ने राहुल जी बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, विश्लेषण करते हैं बहुत अच्छे से, बुद्धिजीवी हैं, थोड़ा सा उनका ध्यान मैं आकर्षित करूंगा, क्षमा चाहते हुए कि मध्य रात्रि का आपने जिक्र करा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि लोकतंत्र की और आज 9वें दिन की और ओम सम शनिश्चराय नमः
बहुत बड़ा दिन है, शनि देव की कृपा भारतीय जनता पार्टी पे बनी हुई है, तो शनिवार सुबह के समय जो सबसे सबसे उत्तम समय होता है हिंदू और सनातन धर्म के लिए, वो समय शपथ के लिए तय किया गया है। ये सबसे अच्छा स्वर्णीय में दिन साबित होगा इस पार्टी के लिए, इस लोकतंत्र के लिए। तो मतलब ये चीजें आपने रातों रात तय कर ली थी कि कब शुभ मुहूर्त है, या ये, तो ये पहले से ही चल रहा था सर? कुछ चीजें आसिमा जी क्लियर नहीं की जाती, इंतजार कर रहे थे कि ये तीनों दल कैसे साथ में आएंगे। थोड़ा सा अवगत कराना चाहूंगा, ये पार्टी की नीतियां हैं कि रात में काम करे दिन में, लेकिन समय जो काम किया वो देखिए आप। कांग्रेस विधायकों को भोपाल भेजा जाएगा, ये बड़ा अपडेट जो है वो सामने आ रहा है। तो बताया जा रहा है कि जिस तरह से लगातार विधायकों की मजबूती की बात कांग्रेस कर रही थी, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कांग्रेस विधायकों को भोपाल भेजा जाएगा, बहुमत साबित होने तक भोपाल में रहेंगे कांग्रेस विधायक। कांग्रेस को विधायकों के टूटने का डर है, तो देर शाम मुंबई से भोपाल के लिए होंगे रवाना। तो नई सरकार को 30 नवंबर तक साबित करना है बहुमत, और जहां पर अहमद पटेल सारे कांग्रेस विधायकों को मजबूती की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं डर जरूर विधायकों के टूटने का है, और इसलिए कांग्रेस विधायकों को अब भोपाल भेजा जा रहा है। तो बहुमत साबित होने तक ये सभी कांग्रेसी विधायक भोपाल में रहेंगे। तो कांग्रेस को विधायकों के टूटने का डर जो है वो सता रहा है, इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देर शाम मुंबई से भोपाल के लिए रवाना होंगे कांग्रेस विधायक, और नई सरकार को 30 नवंबर तक का वक्त बहुमत साबित करने के लिए दिया है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार जरूर बन गई है, लेकिन अग्नि परीक्षा और पिक्चर अभी बाकी है। और इसी बीच अब कांग्रेस विधायकों को भोपाल भेजा जाएगा, शाम को रवाना होंगे भोपाल के लिए सभी कांग्रेस विधायक, और कहीं ना कहीं इस कदम से कांग्रेस के विधायकों का टूटने का जो डर है वो साफ तौर पर इशारा कर रहा है। तो नई सरकार को 30 नवंबर तक साबित करना है बहुमत, और इसी बीच अब कांग्रेस विधायकों को भोपाल भेजा जाएगा, ये बड़ा फैसला कांग्रेस की तरफ से। बहुमत साबित होने तक ये सभी कांग्रेसी विधायक भोपाल में रहेंगे। तो कांग्रेस को विधायकों को टूटने का डर, और इसी पर हम चर्चा को लगातार जारी करेंगे। और परविंदर जी, मैं आपके पास आऊंगी। अहमद पटेल को आपने थोड़ी देर पहले सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, वो ये कहते नजर आए कि सहमति बनने में कुछ वक्त लगा, लेकिन हमारे जो सारे विधायक हैं वो मजबूत हैं, और हम अब फ्लोर टेस्ट पर चुनौती देंगे और हराएंगे भी, लेकिन कहीं ना कहीं विधायकों के टूटने का डर जरूर है, और वो अपने आप प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि अब भोपाल भेजा जा रहा है कांग्रेसी विधायकों को। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, जब भी कोई सरकार बनती है, चाहे अपनी स्टेट की सरकार हो चाहे नेशनल सरकार हो, जो उनको हमेशा जो विधायक हैं या मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनको जब इस तरह की स्थिति आती है कि जहाँ पे तोड़फोड़ की राजनीति हो, तो वहाँ पे अपने विधायकों को या मेंबर पार्लियामेंट को वो एक ऐसे स्थान पर ले जाया जाता है जहाँ पे उनका कनेक्शन खत्म हो जाता है, उनकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, मोबाइल फ़ोन उनसे कट हो जाते हैं, ताकि उनकी कोई खरीद बेच ना हो सके। देखिए, अभी बीजेपी, मैंने पहले भी बोला, जब बीजेपी ने फटाफट प्रेजिडेंट रूल लगाया तो उसके बाद सारे विधायक बाहर आ गए। पहले भी उन्होंने छुपा के रखा हुआ था अपने विधायकों को, वो बाहर आए, उसके बाद फिर डील शुरू हो गई, क्योंकि ये राजनीति के अंदर एक काला अध्याय है। अभी भाई साहब ने कहा कि शरद पवार की ऐसी पर्सनैलिटी है कि वो भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह का दर्जा उनको देना, उनका अपमान करना है, देखिए चीटिंग करना, धोखेबाजी करना। चलिए, धोखेबाजी तो कौन किसके साथ कर रहा है, तो तमाम लोग राजनीति आपकी बात की, मैं एक बात कर रहा हूँ कि देखिए, आप किसी भी हद पर गिर जाए, आप कभी कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं, कभी बीजेपी के साथ मिल जाते हैं, तो वो इस तरह का कहीं ना कहीं अपनी मंजिल को पाने के लिए जो नई डगर पर शिवसेना चली थी उसको कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। रफी जी, मैं आपके पास आऊंगी। अहमद पटेल का ये कहना था कि आपके सारे जो विधायक है आपके पार्टी के वो मजबूत है, लेकिन अब इसी बीच ये सामने आ रहा है कि सभी जो विधायक है उनको भोपाल भेजा जा रहा है, क्या आपको मजबूती नहीं दिख रही विधायकों की? तो लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क हमारा टूट गया है। बिल्कुल संदीप जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह की स्थिति अब शिवसेना की होगी, क्योंकि बड़ी चपेट जो है वो शिवसेना को लगी है, क्योंकि शिवसेना एक मोह में थी कि मुख्यमंत्री पद जो है वो शिवसैनिक को ही मिले, और ऐसे में रात तक तो ये कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सुबह तस्वीर बदल गई। क्या मंजिल पाने के लिए जो नई डगर पर शिवसेना चली उसको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ा? बिल्कुल आसिमा जी, इसका खामियाजा शिवसेना को भुगतना पड़ा है, और सबके दिमाग में आज एक चीज चल रही है। पहले मैं वो आपको क्लियर कर दूं कि
शरद पवार ने इसका समर्थन किया है या नहीं किया है, या वो क्यों नहीं चले गए उधर? आपको बता दूं, अभी कुछ टाइम पहले शरद पवार जी के खिलाफ कुछ जांच भी चल रही है, कुछ जांच एजेंसियां जांच कर रही है। अगर शरद पवार जी उधर चले जाते हैं साथ के साथ, तो एक चीज अभी आपके सामने आ जाती, कांग्रेस भी बोलती, शिवसेना भी बोलती कि जो जांच एजेंसियों का पंजे में फंस गए हैं शरद पवार और उन्होंने समझौता कर लिया है। तो उन्होंने इतनी स्मार्ट तरीके से पूरे चीज को हैंडल किया है कि ना शिवसेना बोल सकती ना कांग्रेस बोल सकती, और अब देखेंगे किस तरीके से वो बहुमत भी सिद्ध कर देंगे, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो इसलिए मैंने कहा था कि शरद पवार राजनीति के बहुत बड़े और मंझे हुए खिलाड़ी हैं, अभी भी वो कांग्रेस के वेलविसर बने रहेंगे, कांग्रेस के टच में रहेंगे, शिवसेना के टच में रहेंगे, और हिडन तरीके से वो बीजेपी के भी पूरे तरीके से टच में। आप देखेंगे बीजेपी का कोई नेता उनके खिलाफ आपको एक शब्द बोलता नजर नहीं आएगा। तो यही पूरी इसकी राजनीति थी जो पूरी कहानी निपटाई लिखी गई, और ठंडा करके कहीं और ठंडा करके शरद पवार ने इस तरीके से दोनों कांटे निकाल दिए, शिवसेना का भी और कांग्रेस का भी, कि इसका पूरा पूरा बेनिफिट उनको मिलना है। और उनका मोटो क्या था? उनका मोटो था कि किस तरीके से अपने भतीजे को वो उप मुख्यमंत्री बनाए। आप देखिए हिडन तरीके से वो भी मकसद उनका पूरा हो रहा है। तो यही चीज और कहीं ना कहीं, लेकिन ये कांग्रेस शिवसेना पिछले गेट से जो एंट्री करने की कोशिश हो रही थी उसको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन जिस तरह से रातों रात समीकरण बदले और नई सरकार महाराष्ट्र में बनी, उसके बाद शिवसेना एनसीपी कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया गया। लेकिन नई सरकार के लिए भी 30 नवंबर तक बड़ी चुनौती है, और देखना होगा कि बहुमत कैसे साबित करती है बीजेपी, और कैसे वो तमाम दावा ठोक रहे हैं कि हम अभी एक हैं और सरकार हम ही बनाएंगे, वो कैसे बीजेपी को रोकते हैं।